आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ अभी डाउनलोड करें हेलो ब्रुन आज का हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हमारे चार ऑप्शन है सबसे पहले कह रहे हैं पादप और प्राणी दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं दूसरा कह रहे हैं इसमें लिपिड द्विस्तर रूप में होती है तीसरा कह रहे हैं प्रोटीन जो होते हैं ठीक है लिपिड द्विस्तर के साथ शिथिल रूप से संबंध ठीक है संबद्ध होते हैं होती है ठीक भी भी है थीके? तो जिसे यहाँ पे प्लाज्मा कहते है इसे क्या कह सकते हैं चार। मतलब चारों तरफ पाए जाने वाला क्या है आवरण इसी को हम यहाँ पर कोशिका कला भी बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो कोशिका को आवरण देते हैं ठीक है थीके? मतलब आवरण कह सकते हो आवरण घेरते हैं इसको ठीक है कोशिका को आकार देते हैं और बाहरी आघातों से इसे बचाते हैं यानी वातावरण या से सीधे जोड़ते हैं इसे ठीक है जैसे कि जंत कोशिका में तो यहां पर ये बने किसके होते हैं अगर संरचना की बात करें तो ये बने होते हैं वसा के ठीक है वसा दो स्तर का होता है ठीक है और प्रोटीन जो होता है एक स्तर का होता है ठीक है प्रोटीन एक स्तर का होता है ठीक है देखते हैं पहला मार कह रहे हैं ये पादप और प्राणी दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जो यहाँ पर पादप कोशिका होती है इसके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिससे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वहाँ पर टिक लगाना है तो ये कथन सही है तो गलत हो जाएगा ठीक है दूसरा इसमें लिपिड दो स्तर के होते हैं तो यहाँ पर हमने पहले बोल दिया है लिपिट दो स्तर के होते हैं ये भी गलत हो जाएगा तीसरा प्रोटीन जो होते हैं लिपिड के लिपिड दो स्तर के साथ शिथिल रूप से संबंध होते हैं ठीक है संबंध होते हैं मतलब जो प्रोटीन होता है वो वसा के साथ ये कह सकते हो फ्लेक्सिबल होते हैं ठीक है थीके? इससे यहाँ पर कह सकते हो जो अणुओं का मूवमेंट होता है ठीक है यानी गति होता है वो इससे कह सकते हो यहाँ पर सुचारू हो जाता है ठीक है तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है गलत हो जा जाएगा ठीक है तीसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होते हैं तो यहाँ पर वसा और प्रोटीन के साथ कुछ यहाँ पर कह सकते हो पॉलीसेक्राइड भी होते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं ठीक है जो यहाँ पर कह सकते हो यहाँ, यहाँ पर कह रहे नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है ये राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट फोर्थ होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ